तो हेलो गाइस, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज की इस नई वीडियो में। सो बेसिकली गाइस, आज की इस वीडियो हम लोग कवर करने वाले हैं न्यू हुंडई i20 2020 के बारे में। सो गाइस, वीडियो के समय आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ये वाला जो वेरिएंट है ये IMT वेरिएंट है और इसका ऑन रोड प्राइस जो यहाँ पे दुमका या झारखंड में है वो 10 लाख समथिंग है कुछ। एग्जैक्टली मैं अभी आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, मैं मैंशन कर दूंगा। सो गाइस, अगर स्टार्टिंग करते हैं इस गाड़ी के फ्रंट से, तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत ही स्टाइलिश लुक दिया गया है। और अगर लाइटनिंग की इस गाड़ी की मैं बात कर लूँ तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो DRL जो दिया गया वो बहुत ही अट्रैक्टिव वे में दिया गया और पुरानी वाली i20 से मुझे कहीं कहीं बहुत बेटर लग रहा है। यहाँ पे आपको सामने की ओर प्रोजेक्टर हेडलाइट्स देखने को मिल जाते हैं और आगे जो इंडिकेटर लाइट्स है वो सेटअप यहाँ किया गया है और नीचे आपको फॉग लाइट देखने को मिल जाता है DRL में। सो गाइस, अगर बात करते हैं इस गाड़ी की फ्रंट ग्रिल की, तो सेगमेंट में बहुत ही बड़ा जैसा ग्रिल दिया गया इस गाड़ी को और यहाँ पे आपको टर्बो की जो बैचिंग है वो देखने को मिल जाती है। ग्रिल आप देख सकते हो गाइस, बहुत ही बड़ा सा ग्रिल दिया गया है जो कि देखने में फ्रंट लुक को काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाता है। सो गाइस, जब बात करते हैं इस गाड़ी की साइड प्रोफाइल के बारे में, तो यहाँ से आप देख सकते हो बॉडी लाइन जो आपको दिख रहा होगा। काफ़ी ज़्यादा डायनेमिक्स जो गाड़ी का है वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव है और लुक्स भी गाड़ी के काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। गाइस, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे आपको सबसे पहले ध्यान जाता है गाइस यहाँ पे आपका अलॉय व्हील्स पे। यहाँ पे देख सकते हो आप लोग को जो 16 इंच का जो डायमंड कट अलॉय व्हील है वो आपको देखने को मिल जाता है। अब अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ के साइड प्रोफाइल के बारे में, तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्रोम गार्निश आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है और जो ये क्रोम गार्निश का एंड गाइस वो यहाँ पे होता है जाकर के लास्ट पे। और फिर यहाँ पे आपको जो डोर हैंडल्स वगैरह है वो आपको क्रोम में ही देखने को मिल जाते हैं पहले से ही। और ये वाले मॉडल जो है कीलेस एंट्री है और इस वाले वेरिएंट का गाइस जो प्राइस है वो ऑप्शनल वेरिएंट से भी ज़्यादा है, जैसा कि मुझे अभी भैया ने बताया। फिर यहाँ पे नीचे की तरफ देख सकते हो आप लोग को सिल्वर एसेंट देखने को मिल जाते हैं थोड़े थोड़े और ब्लैक भी आपको देखने को मिल जाएगा और यहाँ पे एक i20 का बैजिंग देखने को मिल जाता है। अगर हम लोग अब बात करते हैं इस गाड़ी के रियर प्रोफाइल के बारे में, तो यहाँ पे देख सकते हो गाइस यहाँ पे आप लोग को रियर डिफॉगर मिल जाता है, रियर वाइपर मिल जाता है और जो क्रोम लाइन है वो बहुत ही अट्रैक्टिव वे में दी गई है। अब पीछे की लुक अगर इस गाड़ी के आप ध्यान से देखोगे तो फ्रंट से ज़्यादा अट्रैक्टिव इस गाड़ी की पीछे की लुक देखने को लगती है और रात के समय में जो इस गाड़ी का जो बैकलाइट का लाइट है वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है। फिर गाइस यहाँ पर देख सकते हो आप लोग को i20 की बैचिंग मिल जाती है देखने को, यहाँ पर एस्टा की बैचिंग मिल जाती है और ऊपर की तरफ आपको यहाँ पर सार्फिन एंटीना देखने को मिल जाता है। फिर यहाँ पर गाइस आप देख सकते हो जैसा कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा यहाँ पर रियर पार्किंग कैमरा जो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है और आप रियर लुक देख सकते हो गाइस, मुझे तो इस गाड़ी का रियर लुक है जो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगा है। गाइस आप लोग देख सकते हो ये रहा 2020 Hyundai i20 का जो 1 लीटर टर्बो इंजन आता है, ये IMT वेरिएंट है और इसका जो टर्बो GDI इंजन है वो है, आप देख सकते हो कुछ इस टाइप से दिखता है इसका इंजन। वैसे इंजन में देखने में गाइस काफ़ी हैवी है और टोटल कंपोनेंट्स देख सकते हो आप लोग और इसमें भी हाइड्रोलिक वाला सस्पेंशन नहीं दिया हुआ है यहाँ पे, ये आपको मैनुअली ही करना पड़ेगा। सो गाइस यहाँ पे देख सकते हो अभी हमारे हाथों में Hyundai 2020 i20 की जो की है वो, तो सो गाइस इसमें गए आपको फिजिकल की कहीं कहीं देखने को नहीं मिलती है, ये आपको टोटली ऑटोमेटिक देखने को मिलती है और यहाँ पे आपको कीलेस एंट्री का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको कीलेस एंट्री का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। अब हम लोग बात कर रहे थे इस गाड़ी की अगर साइड प्रोफाइल की, यहाँ पे तो आपको यहाँ पे इंडिकेटर देखने को मिल जाता है और यहाँ पे IMT की बैचिंग देखने को मिलती है और पूरे में सिल्वर एसेंट का यूज़ किया गया है देख सकते हो। गाइस अब हम लोग चलते हैं इस गाड़ी के इंटीरियर की ओर और देखते हैं वहाँ पे क्या कुछ देखने को मिल जाता है। वैसे गाइस बूट मैं ओपन करके नहीं दिखा पाया क्योंकि गाड़ी की जो बैटरी है वो काफ़ी ज़्यादा डिस्चार्ज है और बैटरी जब चार्ज नहीं होती तब तक आप बूट ओपन नहीं कर सकते हो और क्योंकि इस गाड़ी में कोई फिजिकल की अवेलेबल नहीं है तो हम लोग फिजिकली ओपन नहीं कर सकते इस गाड़ी की बूट को। तो चलिए फटाफट से चलते हैं इस गाड़ी के इंटीरियर की ओर, देखते हैं वहाँ पर क्या कुछ मिलता है। गाइस अगर हम लोग बात करते हैं इस गाड़ी की साइड प्रोफाइल की, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो डोर के जो फीचर्स हैं यहाँ पे आपके ORVS के कंट्रोल मिल जाते हैं, यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक फोल्डेबल और नॉन फोल्डेबल के जो ऑप्शन है वो मिल जाते हैं, यहाँ पे आप स्विच कर सकते हो इस साइड या उस साइड की जो ORVS को एडजस्ट करने के लिए और गेट लॉक अनलॉक ऑप्शन यहाँ पे चारों मिरर के ऑप्शन मिल जाते हैं और यहाँ पर आपको जो लॉक अनलॉक वाला सिस्टम है वो देखने को मिल जाता है। बाकी यहाँ पर अगर गेट की बात करें तो यहाँ पर फुल टू आपको ब्लैक में मिल जाता है और जो यहाँ पर जो डोर हैंडल है यहाँ पर आपको ग्लॉसी ब्लैक में देखने को मिल जाता है और इंटीरियर की जो डोर की जो क्वालिटी वो मुझे ठीक ठाक लग रही है और जो कलर फिनिशिंग यहाँ पे अगर ड्यूअल टोन रहता तो वो ज़्यादा बेटर लगता। यहाँ पे गाइस देख सकते हो आप जैसा कि यहाँ पे आपको एक ट्विटर देखने को मिलता है
और नीचे की तरफ स्पीकर है वो भी की बोस के। सो गाइस चलो चलते हैं फटाफट से गाड़ी के इंटीरियर की ओर, देखते हैं वहाँ पे क्या कुछ देखने को मिल जा रहा है। सो गाइस अगर यहाँ पे स्टार्टिंग हम लोग अंदर आने के साथ देखते हैं कि क्या कुछ मिल रहा है, तो यहाँ पे आपको फर्स्टली अगर आप देख पा रहे होगे तो आपको स्टार्ट स्टॉप बटन देखने को मिल जाता है, यहाँ पे आपको हेडलाइट एडजस्टर मिल जाता है, और यहाँ पे आपको रियर पार्किंग कैमरा का जो व्यू है वो देखने को ऑप्शन मिल जाता है। अब अगर हम लोग इंटीरियर की जो सबसे पहले गेट क्लोज कर लेते गाइस, क्योंकि आवाज़ जो है बाहर की नॉइज़ बहुत ज़्यादा आ रही है। तो गाइस इस गाड़ी में आपको सीट आप हाइट भी एडजस्ट कर सकते हो, और जो सिक्स वे एडजस्टेबल सीट्स है वो आपको देखने को मिल जाते हैं। स्टेयरिंग सबसे पहले हम लोग देखते गाइस, तो यहाँ पे आप देख सकते हो तो स्टेयरिंग का जो लुक है वो काफ़ी ज़्यादा बेटर है और देखने में बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ये बिल्कुल क्रेटा की जैसी लग रही है स्टेयरिंग, और ये वेन्यू में अभी तक नहीं आई है, तो आई विश कि इस तरह का स्टेयरिंग मेरे वेन्यू में भी होता। यहाँ पे आपको स्टेयरिंग कंट्रोल सारे के सारे मिल जाते हैं देखने को, यहाँ पे वॉइस कमांड, यहाँ पे मोड, और यहाँ पे साउंड की जो ऑप्शन है और सॉन्ग वगैरह चेंज करने के लिए, और यहाँ से कॉल पिकअप कर सकते हो, डिस्कनेक्ट कर सकते हो, और यहाँ पे गाइस देखते हैं ऑप्शन आपको मिल जाती है जो आपकी जो फाइल वगैरह वो व्यू करने के लिए और यहाँ से सेलेक्ट करने के लिए। गाइज आप देख सकते हो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बड़ा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है। काश इस गाड़ी का बैटरी चार्ज रहता तो मैं आपको भी अच्छे से और एक्सप्लेन कर पाता, बट कोई बात नहीं गाइज, यहाँ पे आपको सारी लाइट वगैरह को एडजस्ट करने के लिए ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। अगर मैं बात करता हूँ सेंट्रल कंसोल की, तो यहाँ पे गाइज आपको कोई भी ड्यूअल टोन देखने को नहीं मिलता है। ये मुझे थोड़ा सा एक ऑड चीज़ लगा, अगर इसमें ड्यूअल टोन रहता तो वो देखने में ज़्यादा अच्छा लगता। सो गाइज बात करते हैं अगर हम लोग यहाँ पे सेंट्रल कंसोल फीचर्स की, तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा सा टच स्क्रीन आपको मिल जाता है। सेगमेंट में सबसे बड़ा टच स्क्रीन आपको Hyundai i20 ही देती है। अब यहाँ पे आपको ब्लू लिंक का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, और डे एंड नाइट ORV में आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। SOS फीचर्स भी अवेलेबल है यहाँ पे, और आप यहाँ से इसे एडजस्ट कर सकते हो। सो गाइज अब हम लोग आ जाते हैं नीचे की तरफ फिर से। यहाँ पे आपको हजार लाइट देखने को मिल जाती है, और जो AC वेंट है गाइज इस गाड़ी के वो थोड़े से यूनिक डिज़ाइन के हैं, ऐसे आपको पुराने वाले i20 वगैरह में नहीं देखने को मिलते थे, ना ही Hyundai की किसी और गाड़ी में आपको देखने को मिलते हैं। और यहाँ पे आपको एक ये डिज़ाइन दिया गया, ये पूरा AC वेंट नहीं गाइज, ध्यान रखना है ये सिर्फ डिज़ाइन है। फिर गाइज नीचे आते हैं तो यहाँ पे आपको AC के सारे कंट्रोल्स मिल जाते हैं, यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक AC मिल जाता है और क्लाइमेट कंट्रोल। सो गाइज अगर हम लोग बात करते हैं इस गाड़ी की, जो यहाँ पे साइड में स्पेस दी गई है तो ठीक ठाक सा डिसेंट सा स्पेस है, और यहाँ पे आपको कूल वाला जो कूल ग्लव फीचर वाला जो है वो भी अवेलेबल है। और सारी विंडोज़ में यहाँ पे देख सकते हो गाइज आपको जो मिरर अप डाउन के लिए फीचर्स है वो अवेलेबल है। वैसे मैं फीचर्स की बात करूँगा तो यहाँ पे बहुत सारे फीचर्स दिए गए हैं। अब यहाँ पे फिर से नीचे की तरफ देख सकते हैं, यहाँ पे एक USB चार्जिंग दिया गया, यहाँ पे एक 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट दिया गया, और यहाँ पे सबसे अच्छी फीचर दी गई गाइज जो आपका फास्ट चार्जिंग का जो ऑप्शन है वो भी अवेलेबल है। बात करते गाइज यहाँ पे, तो यहाँ पे सेंट्रल में देख सकते हो आप, सबसे पहले मैं दिखाना चाहता हूँ गाइज इस गाड़ी में क्लच नहीं है, तो ये फीचर की मैं बात कर रहा था, ये IMT फीचर है इस गाड़ी का। यहाँ पे देख सकते हो गाइज आपको अगर गाड़ी चलाना है तो सिंपली कोई भी क्लच प्रेस करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप सिंपली अपना गियर को चेंज कर सकते हो विदाउट क्लच प्रेस किए हुए। तो ये गाइज सबसे कूल फीचर लगा मुझे। सो अगर हम लोग बात करते हैं रिवर्स लगाने के लिए गाइज, आपको वो वाला सिस्टम है नीचे से अप करके और ऐसे करके लगाना होगा, तो आपकी गाड़ी का रिवर्स लग जाएगा। फिर गाइज में अगर आप बात करें तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है एयर प्योरीफायर, और यहाँ पे ग्लास होल्डर मिल जाता है, यहाँ पे हैंडब्रेक वगैरह जो है वो नॉर्मली एज इट इज मिलता है जैसे कि हर गाड़ियों में रहता है। अब गाइज अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो आपको एक आर्मरेस्ट मिलता है, और इसके अंदर एक डिसेंट अमाउंट सा स्पेस मिलता है कुछ रखने के लिए, और आर्मरेस्ट जो है गाइज वो स्लाइडेबल है, और आई एम इम्प्रेस्ड क्योंकि यार इस चीज़ की मैं बहुत कमी होती है मुझे वेन्यू में। सो इसमें आपको यस आपको स्लाइडेबल आर्मरेस्ट देखने को मिल जाता है। अब अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो गाइज यहाँ पे आपको कोई भी वैनिटी मिरर नहीं मिलता है देखने को, यहाँ पे आपको एक वैनिटी मिरर जरूर मिलता होगा यस, तो यहाँ पे वैनिटी मिरर आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ पे पुश करने का एक ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पे आपको सनग्लास होल्डर देखने को मिल रहा है, और यहाँ पे दो लाइट अवेलेबल है, एक इस साइड, आप यहाँ से इसे स्विच कर सकते हो, और यस आपको इस गाड़ी में पीछे की तरफ भी एक लाइट देखने को मिलता है जो कि एक बहुत ही अच्छा फीचर है गाइज। सो अगेन अब मैं बात करता हूँ इस गाड़ी की, चलता हूँ इस गाड़ी के रियर के पीछे की तरफ और देखते हैं वहाँ पे क्या कुछ देखने को मिलता है। अगर आ गए हम लोग इस गाड़ी के अब जो पीछे वाले तरफ हैं वहाँ पे, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले मैं दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पे आपको AC वेंट मिल जाता है, और नीचे की तरफ एक फास्ट चार्जिंग सॉकेट आपको ऑप्शन अवेलेबल है यहाँ पे, और यहाँ पे एक छोटे मोटे सामान रखने के लिए जगह भी आपको देखने को मिल जाती है। और अगेन आप देख सकते हो गाइज यहाँ पे आपको एक ग्लॉसी ब्लैक कलर का जो फिनिश है वो देखने को मिल जाता है, और पीछे दिखाने को कुछ खास है नहीं गाइज जैसा कि आप देख सकते हो। और स्पेस की अगर मैं बात करूँ तो आराम से यहाँ पे चार बंदे बैठ सकते हैं हमारे साइज के।
सो गाइज आप देख सकते हो कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आपको लेग स्पेस मिल रहा है, हेडरूम भी ठीक ठाक से मिल रहा है। एक चीज़ की कमी आपको खली गाइज बहुत ज़्यादा खलने वाली है कि यहाँ पे आपको कोई भी जो नेक रेस्ट है वो नहीं मिलने वाला है। एडजस्टेबल तो छोड़ो यार, नॉन एडजस्टेबल भी नहीं मिल रहा है। ओके सो छुपा हुआ तो एक हेडरेस्ट है गाइज यहाँ पे, पर वो मतलब यूजेबल नहीं है मेरे ख्याल से। आप ऐसे करके अपना सर चाहो तो रख सकते हो। गाइज स्पेस की बात करूँ मैं यहाँ पे, तो बहुत सारे स्पेस है आपको, आप यहाँ से आराम से मेरे ऐसे लड़के चार यहाँ पे बैठ सकते हैं। और जो फ्रंट वाला सीट है वो मैंने फुल पीछे किया हुआ है, और जितनी पीछे हो सकती है जैसा भी आप अभी देख सकते होगे। और उसके बाद भी इतनी सारी स्पेस बच रही है गाइज। आपको रियर गेट में भी मैं दिखाना भूल गया, यहाँ पे भी आपको बोस के स्पीकर्स देखने को मिल जाते हैं, और ट्विटर सिर्फ फ्रंट के दोनों गेट पे ही आपको देखने को मिल जाते हैं। सो गाइज उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा हमारा। इस वीडियो में मैंने जो 2020 i20 है इसके बारे में सारे फीचर्स लगभग बता दिए हैं। ये वाला जो वेरिएंट है गाइज ये बेसिकली IMT वेरिएंट है, और उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो अगर पसंद आएगा तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को एक लाइक दे देना, और किसी भी इम्प्रूवमेंट के लिए गाइज नीचे कमेंट करो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइज, टिल देन बाय बाय।